वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैंने जो एक काऊ पाल रखा है उसने अब बच्चा दिया है और काऊ मिल्किंग का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। और देखिए आप कैसे कि मेरे यहाँ काऊ का मिल्क निकाला जाता है। कोई पेशेवर मिल्किंग वाला नहीं है दूध निकालने वाला, लेकिन हम लोग कुछ हम करते हैं, कुछ मेरे बच्चे जो कि जॉब भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गाय पालने की एक मेरे पास जगह है, मेरा प्लाट है, दो प्लाट हैं। एक में मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ, एक आधा बना है और आधा खाली है, तो उसमें मेरी ये गाय पली है। तो उसी में मैं ये गाय मेरे पास 10-12 साल से हैं। ये उसका तीसरा बच्चा है जो अब बच्चा दी है। तो इस तरह से मेरे यहाँ गाय का दूध शुद्ध दूध ऑर्गेनिक, जिसको कि मुझे पता है कि मैं क्या खिलाती हूँ, कौन सा पोषण उसे देती हूँ, किससे उसका दूध बनता है। तो इस तरह से ये देखिए काऊ मिल्किंग का वीडियो देखिए कैसे निकाला जाता है मेरे यहाँ दूध और कितना दूध देती है मेरी गाय। ये देखिए जो लोग पेशेवर निकालने वाले होते हैं पहले इनके उसको वॉश कर लिया जाता है, फिर ये देखिए दूध ऐसे। जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं दूध निकालने में वो नीचे केन रख के और दोनों हाथ से दूध निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ धीरे धीरे 10-12 साल से गाय फली है तो थोड़ा थोड़ा करके। यही मेरे छोटे वाले बेटे हैं जो कि जॉब भी करते हैं और जो है सुबह शाम गाय का दूध, केवल दूध निकालने का काम इनका होता है, बाकी काम हम खुद कर लेते हैं, कुछ किसी से करवा भी लेते हैं, हेल्प भी ले लेते हैं सफाई उफाई की, उसके गोबर ओबर उठाने का। तो लेकिन खिलाना पिलाना तो मैं खुद अपने हाथ से खिलाती हूँ कि उसको कोई ऐसी चीज़ ना खिलाई जाए जिससे कि दूध पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। मेरे घर का जितना भी सब्जी का और फल फ्रूट का और रोटियां बचती हैं, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, 14 लोगों का परिवार है, तो खाना वाना भी बहुत बच जाता है, तो वो सब मैं अपने गाय को ही खिलाती हूँ। और बिल्कुल शुद्ध गाय खाना, ये नहीं कि जूठा ना, वो सब नहीं खिलाती हूँ। तो इस तरह से मुझे एकदम ऑर्गेनिक दूध मिलता है। आजकल मार्केट में अगर चार चीज़ आप ऑर्गेनिक अपने आप कर लें तो समझ लीजिए कि आप सेहत सुरक्षित है आपकी। दूध, सब्जी और तेल और मसाला, इन चार चीज़ में बहुत मिलावट है। तो ये मैं भरपूर सब्जी भी मैं काफ़ी मात्रा में अपने यहाँ कर लेती हूँ, कुछ करवाती हूँ, अकेले तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये कि मेरी गाइडेंस पूरा रहता है। तो उसी तरह दूध में भी, ये देखिए दूध अभी आप देखेंगे ये 1.5 लीटर का जग है, तो इससे 3 जग दूध, 3-3.5 जग दूध देती हैं। कहने का मतलब कि मेरे यहाँ 4-4.5 लीटर दूध एक टाइम में निकल आता है, दोनों टाइम में 8-9 लीटर दूध हो जाता है। तो 14 लोगों का परिवार है, इतना दूध मेरे यहाँ रिक्वायर्ड भी रहता है। बीच में जब 2-3 महीना दूध नहीं होता है, ये खाली हो जाता है, दूध देना बंद कर देती है, फिर नेक्स्ट उसका जो है 2-3-4 महीने बाद होता है, उतने दिन में मैं जो है 4 लीटर दूध खरीदना पड़ता है, वो भी पूरा नहीं पड़ता। और ये इससे रहता है तो मेरे परिवार को, पूरे परिवार को दूध मिल जाता है और हम लोग भरपूर दूध का सेवन कर लेते हैं। इसको एक बार में
निकालते निकालते थक जाते हैं, 3 बार में निकालते हैं, तब जाके पूरा दूध वो भी नहीं निकल पाता। बच्चे को भी हम लोग खूब दूध पिलाते हैं। इसके पहले इसका मेल बेबी था, अभी 1.5 साल का होगा, आप देखिए तो लगता बिल्कुल मेच्योर दिखता है।